माँ ने अपने दो बच्चों को गला काट कर मार डाला, बेड के पास पड़ा मिला सिर, खुद को भी ले रही थी जान, बोली संजोग से तीसरा बच्चा बच गया। गाजीपुर में एक माँ ने अपने ही दो बच्चों की चाकू से गला काट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वो अपना भी गला काट रही थी। महिला मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, साथ ही छानबीन में जुट गई। कई थाने के पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मर्द थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव निवासी अजीत यादव की पत्नी नीतू यादव उम्र 36 वर्ष ने अपने ही दो बच्चों की चाकू से गला काट कर हत्या कर दी। शनिवार की सुबह परिजनों ने दैनिक दिनचर्या के बाद बच्चों को ना देखने पर पूछा तो नीतू ने कहा कि बच्चों की हत्या कर दी है। ससुर राम बच्चन यादव ने बताया कि एक बच्चे का सिर बेड के सिरहाने रखा था तो दूसरे का अलग रखा था। यही नहीं, परिजनों का कहना है कि हत्या में संलिप्त नीतू यादव खुद बोल रही थी कि संजोग से तीसरा बच्चा बच गया, वह भी अपना गला काट रही थी, जिसको देख परिजनों सहित आसपास के लोगों ने किसी तरह हाथ से चाकू हटाया और घर में बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आग की तरह बात फैल गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को किसी तरह काबू में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या ने संलिप्त महिला को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना के विषय में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान है। घटना को लेकर गांव में माहौल शोकाकुल बना हुआ है। मृतक बच्चों में एक 9 तो दूसरा 7 साल का है। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ीबर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ीबर्ड ऐप।